कहिए दादी जान। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अगर आपने वही बात दोबारा करनी है तो खुद को थकाने की जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ। कुछ चीजों का फैसला तुम कर सकते हो और कुछ का नहीं। तुम्हारा रवैया इंतहाई नामुनासिब है। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसला करना चाहिए वो मैं खुद से कर चुका हूँ। मैं और रियान अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ शुरू से करेंगे और वो हम यहाँ रहकर नहीं कर सकते। तुम ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वो हमारा घर है। अपने खानदान को, अपने खूनी रिश्ते को किसके हवाले करके जा रहे हो? सिर्फ उस खिजर शाहदुलों के लिए, सिर्फ उस घटिया इंसान की बेटी की वजह से जिससे तुम्हारे बाबा की जालनी घर छोड़ के चले जाओगे? रियान ने नहीं कहा, ये मेरी अपनी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी की वजह से? अच्छा तो तुम्हारी बाप की उन टूटी हुई हड्डियों का क्या होगा और तुम्हारी माँ का क्या? खबरदार दादी जान, खबरदार। इस बात को अम्मी और अब्बू की बात से मत जोड़ना कभी। क्यों, क्यों ना जोड़ूं ये बात? असलान बे खानदान का इकलौता वारिस अपने बाप दादा का घर छोड़ के जा रहा है, और वो भी किसके साथ? कातिल की बेटी के साथ। और मैं ये बात तुम्हारे बाप के साथ ना छोड़ूं? अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारी यह हालत देख के क्या कहता? तुमसे पूछता नहीं कि तुम उस घटिया इंसान की बेटी के पीछे जा रहे हो? गोनल और एलिफ के साथ होने वाले वाकयात की तो मैंने बस करें दादी जान। रियान सिर्फ मेरी बीवी बनेगी। अगर आप रियान के बारे में इसी तरह से बातें करती रहीं, तो सिर्फ मैं इस घर को नहीं छोड़कर जाऊंगा बल्कि जिंदगी से ही निकल जाऊंगा। मैंने अपने तीन बेटे कब्र में उतारे, मेरा दिल जल के खाक हो चुका है। कौन सी माँ ये दर्द बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि तुम लोग मेरा सहारा थे। गोनल, एलिफ और खास कर तो उस वक्त तुम लोगों को किसके हवाले करती? अपने दर्द का मरहम तुम लोगों को बनाया मैंने। तुम्हारी आंख से आंसू तक नहीं गिनने दिया मैंने। कोई कमी नहीं रखी तुम्हारी परवरिश में, और अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि कहते हो कि घर छोड़ के चला जाऊंगा। चले जाओ जहां जी चाहे, जहां तीन बेटों का दुख सहा है मैंने, वहां एक और बेटे का दर्द भी सह लूंगी मैं। आप मेरी दादी हैं, मेरी जान है आप, और मैं आपका खून हूं। मैं वो सब कुछ कभी नहीं भुला सकता जो आपने मेरे लिए किया। हमारा निकाह यहीं होगा, उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे, सबकी दुआएं लेने के बाद अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जाऊंगा मैं अपनी नई जिंदगी की तरफ। प्लीज मुझसे इससे ज्यादा की तवक्को मत रखिए। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। नहीं बेटी, नहीं हो सकता। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने आज तक तुम पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया है। इन लोगों ने कुछ भी कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, हमेशा रहूंगा। लेकिन ये बात याद रखना, आज के बाद तुम उस शख्स से नहीं मिलोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम उससे मिली तो सारी हदें पार हो जाएंगी। और बेटी, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, और आइंदा ऐसा तुम कोई काम नहीं करोगी कि तुम पर उंगली उठाई जाए। मुझे तकलीफ होती है, जरा देखो अपनी माँ की हालत। तुम ऐसे काम करके हमें आजमाइश में मत डालो जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? रियान मेरी बच्ची, मुझे बताओ कि आखिर मैं कब तक इन लोगों से लड़ता रहूंगा? मुझे तो ये लगता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो हमारे साथ। आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है जो शख्स मुझे कातिल समझता है वो तुम्हें खुशी देगा? क्या वो तुम्हें सुकून से रहने देगा? हमसे ज्यादा तुम उस शख्स पर भरोसा कैसे कर सकती हो? रियान, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा,
और ना ही मैंने तुम पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई है और ना ही कभी गुस्सा किया है। बाबा। सुनो रेयान, बस करो अब। तुम मेरी बेटी हो इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। हमेशा तुम्हारी बात मानिए, तुम्हारे साथ खड़ा रहा और मरते दम तक भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम उस शख्स से नहीं मिलोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। और अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम उससे मिली तो सारी हदें पार हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिसकी वजह से तुम पर उंगलियां उठाई जाएं। समझी ध्यान? तुम ऐसे काम करके हमें आजमाइश में मत डालो जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। समझ रही हो ना मेरी बात? अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज के बाद तुम मेरी और अपनी अम्मी की नाफरमानी नहीं करोगी। रियान मेरी पच्ची, मुझे बताओ कि आखिर मैं कब तक इन लोगों से लड़ता रहूंगा। मुझे माफ कर दे बाबा, हर चीज के लिए मुझे माफ कर दे। दादीजान, मीरान घर छोड़ के जा रहा है, आप क्यों कुछ नहीं कर रही? पहले वो शादोलो की बेटी से शादी और अब वो इस घर को छोड़ के जा रहा है। अब आप बताइए कि इसके बाद इस घर में और क्या होने वाला है? आपको अपना वादा याद भी है या नहीं? तुम मेरी की गई बात और मेरे उठाए गए कदम पे बहस कर रही हो, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। वो इंसान तुम्हारे सामने हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? बात सुने दादीजान, आपने जैसा कहा मैंने किया। आप जानती हैं कि मैंने आपके किसी फैसले से भी इनकार नहीं किया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी बात मानकर मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उल्टा हो रहा है दादी जान। सिर्फ आपकी वजह से मीरान मुझसे दूर हो गया है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि हर चीज सब्र के साथ होती है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो भी तुमने दुख झेला सब कुछ भूल जाओगी तुम, और ये तो होना ही था। फर्ज करो मीरान की शादी और उसका यहाँ से जाना हमारे रास्ते का कांटा है। जितनी जल्दी यहाँ से चला जाएगा उतना ही उनका जख्म गहरा होगा, लेकिन इन जख्मों का नतीजा हमारी फतह की सूरत में निकलेगा। लेकिन फिर भी कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास तो तुम्हारी मर्जी। बस एक सेकेंड, जब मैं तीन कहूंगी तब आंखें खोलना। एक, दो, तीन। सरप्राइज। ये क्या है? साइकिल्स हैं। साइकिल्स ऐसी भी होती हैं क्या? अरे अरे, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ये आपने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। चलो आ जाओ बैठते हैं। क्या बात है आपकी,
ऐसे पसंद आई तुम्हें? हाँ, हाँ पसंद आई, मगर चलाएंगे कैसे? अच्छा मैं भी बैठ गई तुम तैयार हो? हाँ चलो फिर, एक दो तीन चलो चलते हैं। हम जा रहे हैं। चलाओ गुल चलाओ। शाबाश, बिल्कुल नहीं रुकना। नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं रुकूंगी। परिंदे भी हैं, देखो आसमान भी है दूर तक। चलती जाओ, जहाँ तक तुम जाना चाहती हो जाओ। आपी, बहुत मजा आ रहा है। डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, मैं साथ हूँ तुम्हारे। जहाँ तुम दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहती हो वहाँ ले चलो, जहाँ तुमसे ज्यादा खुश कोई ना हो। शाबाश मेरी बहन, आगे बढ़ो। चलो गुल और तेज चलाओ। आपी वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रही हूँ। मौत सुन पर यकीन रखो। अगर कोई यकीन नहीं करता तो ना करे। तुम यकीन रखो कि एक दिन कोई आएगा, कोई आएगा जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा मुआवजा होगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, और इसके लिए हर रोज दुआ करना। चाहे तुम उदास हो या फिर चाहे तुम खुश हो, अपने दिल की हर बात तुम दुआ में करना। अगर इंसान ख्वाब ही नहीं देखेगा तो उसके ख्वाब पूरे कैसे होंगे? तुम हमेशा याद रखना, फिर चाहे मैं तुम्हारे साथ हूँ या ना हूँ। Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Nein kare, cycle gili ho jayegi. Nein kare na, aapi samjhaye na. Chalo apne haath kholo. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Acha chalo niche aa jao. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde hacı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma. अपने दिल में नफरत नहीं भरने देना, उन्हें कभी भी अपनी उम्मीदों को मत तोड़ने देना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलना। तो कभी अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो ये नहीं सोचना कि तुम्हारे अम्मी बाबा तुम पर कितना गुस्सा करेंगे, बल्कि ये सोचना कि उन्हें कितना दुख होगा तुम्हारी गलती से। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ जाए जिससे उन्हें दुख हो, तो अपनी बात उन्हें जरूर समझाना और देखना कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और ना करे। इसे वहां लेकर जाओ। हाँ बस यहाँ पर रख दो, ठीक है। हसन, मुझे थोड़े पत्ते लाके दो। सारे नहीं लाने थे, मैं पकड़ूंगी कैसे? अरे माशाल्लाह,
बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, बाल भी बहुत अच्छे बनाए। हाँ शुक्रिया मेरे भाई। क्या सब कुछ तैयार है दादी जान? रेयान आने वाली है। बहुत जल्दी में करना पड़ा सब कुछ। दादी आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यहाँ कोई जनाजा उठ रहा है या शादी होने वाली है? मेरान बेटा, काजी साहब आ गए हैं। अस्मा खाला, रियान के आने से पहले ये सारे काले कपड़े उतार दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। तुम्हें जल्द अज जल्द अपनी बीवी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सब कुछ तैयार है और निकाह रजिस्ट्रार भी आ गया है। क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? जहरा बेटा, आ जाओ, मैंने कॉफी तैयार कर ली है वरना ठंडी हो जाएगी। क्या तुम रियान से शादी करने में जल्दी नहीं कर रहे? दरअसल रियान ऐसा ही चाहती है, उसे अपने जज्बात पर एतमाद हो गया और अब इंतजार करने की वजह भी नहीं बची कोई फिरात। जब तक वो दूर होगी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता और ना ही उसे दुखी रहने दे सकता हूँ। अच्छा है मेरी आंखों के सामने रहेगी तो हम दोनों ही खुश रहेंगे और मुझे सुकून भी रहेगा। मैं समझता हूँ ये वजूहत और तुम उससे शादी भी करना चाहते हो, पर मुझे रियान की समझ नहीं आ रही है भाई। पहले उसने मना किया, अब अचानक उसने हामी भर ली। ऐसा क्या हुआ जो उसने अपना इरादा बदल दिया? हाँ जानते हो ना उसे अपनी फैमिली छोड़नी होगी। क्या तुम्हें यकीन है वो सब कर लेगी? मुझे जितना यकीन रियान पर है इतना मुझे किसी और पर नहीं है। मैं उसे अपने दिल से देखता हूं, दिमाग से सोचूं तो इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्या हम निकल रजिस्ट्रार को फजूल में इंतजार तो नहीं कर पा रहे बेटा? क्या पता रियान का इरादा बदल जाए। आखिरकार वो उस खानदान से है जिसके वादों पे यकीन नहीं किया जा सकता। शायद वो पूरी रात सोचती रही हो इस बारे में। शायद उसे एहसास हो गया हो कि वालदैन को छोड़ देना मुश्किल होगा उसके लिए। या हो सकता है कि उसको अपना खानदान तुमसे ज्यादा अजीज हो। मेरी जान, आप मेरे बाल देखें। हाँ। और बताएं मुझे कि खुशबू कैसी है। अच्छा अभी चेक करता हूँ। वाह क्या खुशबू है, जबरदस्त। भाई मुझे तो ये खुशबू बहुत ही पसंद आई है मेरी प्यारी बेटी। ओह मेरी प्यारी बेटी जहरा, मैंने दुनिया में कौन सी ऐसी नेकी की है कि जिसके सिले में मुझे इतनी प्यारी बेटियां मिली हैं, है ना? रियान जब तुम भी छोटी थी तो इसी तरह तुम भी भाग भाग कर मेरे पास आती थी। याद है तुम जिद क्या करती थी कि तुम्हारे बाबा ही बाल बनाएंगे, अगर मैं बनाऊंगी तो तुम्हारे सर में दर्द होगा। आप कहते थे कि जन्नत की खुशबू आ रही है। हाँ। क्या मेरे बालों से भी ऐसी खुशबू आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी नजर में तो तुम दोनों बहनें जन्नत के खुशबूदार फूलों की तरह हो और मेरे लिए जन्नत का दरवाजा। आ जाओ तुम भी मेरे पास आ जाओ, आओ मेरी प्यारी बेटियां। मुझे माफ कर देना बाबा, मैं आपके लिए जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नम का दरवाजा बन गई। बाजी सुने। हाँ। क्या मैं पेटी सोवेन में रख दूं या और इंतजार करूं? या अल्लाह मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। खैरियत मेहमान आ रहे हैं क्या?
नहीं, ये तो रियान का फेवरेट है। काफी दिन से नहीं बनाया था तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, खुश हो जाएगी। मजे के लग रहे हैं। हाँ, चलो इसे ओवन में रख दो। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, किस लिए? बस अम्मी, हर चीज के लिए, मेरी माँ होने के लिए, मेरे लिए पेटिस बनाने के लिए। ऐसा कह रही हूँ जैसे पहली बार बना रही हूँ। मैं बाहर बाग में जा रही हूँ। रियान, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? पेटिस बनने में तो अभी टाइम है, मैं यहाँ पर क्या करूँगी? हाँ जरूर, लेकिन देर ना करना और वापसी पे जरा मिर्ची लेते आना। ठीक है ठीक है, मैं ले आऊंगी। चलो। अच्छा, अब तुम वापस चली जाओ। वो परेशान हो जाएंगी अगर तुम नहीं नजर आई, और फिर वो गुस्सा भी होंगी। और ये क्या है मलिका? आज तुम दुल्हन बनने जा रही हो ना रियान, और देखो बिना जहेज के जा रही हो। तुम, मैं जानती हूं कि तुम अपने नए घर में बहुत खुश रहोगी। और हाँ, तुम मीरान को परियों की कहानी सुनाना मत भूलना। वहां जाने के बाद तुम मुझे फोन तो करोगी ना? गुल का ख्याल रखना तुम बहुत, मेरी अम्मी का भी, मेरे बाबा का। जब वो उदास हो ना, तो उन्हें बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है ना? अपना भी ख्याल रखना तुम मलिका। ठीक है, अब जाओ। हम एक बेहतर हल चाहते हैं शादी करवा के, वरना एक ही चीज बचती है। क्या चीज? मार दिए जाएंगे, शादलों वालों से आजाद मरेगा, और असलान बे वालों की तरफ से मीरान। जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपनी जान भी देनी होगी। हर हाल में मेरे बेटे को तुम्हें बचाना होगा। तुमने अपने लोगों को मीरान को मारने के लिए क्यों भेजा बताओ मुझे?
तुम उस बंदे से नहीं मिलोगी। मैं मीरान के बगैर नहीं जी सकती। मैं अपनी बेटी को कैदी बनाकर नहीं रख सकता। खुश हूं मैं इससे, समझ आई? जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर मेरी बेटी का भी है। मैं इस घर में रहूंगा तो मेरी बेटी भी रहेगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। और मरते दम तक भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम उस शख्स से नहीं मिलोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। गलत किया मैंने, मुझे खुद लेने जाना चाहिए था। शायद वो किसी मुश्किल में है फिरात। हाँ यार, हो सकता है रियान के साथ कुछ हो गया हो। फिरात रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ मीरान, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। अगर वो नहीं आई तो हम खुद लेने जाएंगे उसे। शुक्रिया। एक काम करो, रेहान को बुलाकर लाओ, कहो पेटी तैयार है। जी ठीक है, मैं भी बुलाकर लाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ खड़े नहीं रह सकता, मैं रेहान को लेने जा रहा हूँ। मीरान रुको यार, मीरान डर गया था कि तुम नहीं आओगी। कैसे हो तुम नसू? सेहत कैसी है? ठीक ही होगी इंशाल्लाह। काम की बात करो अजीजा, मेरी सेहत की कब से फिक्र होने लगी तुम्हें? ये बताओ फोन किसने किया और अब क्या बोलने वाली हो तुम अपने इस मनहूस मुंह से? तुम ये कैसे बात कर रहे हो नसू? हम बहुत जल्द एक खानदान होने वाले हैं। खैरियत तो है, मैंने तो इसलिए फोन किया कि जान सकूं कि नसू आगा की तबीयत कैसी है जो अपनी अजीज तरीन पोती की शादी में शरीक नहीं हो सका। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, कैसा खानदान, कैसी शादी? अच्छा तो तुम्हें कोई खबर ही नहीं? मुझे लगा कि तुमने हशमत आगा के खौफ से रेयान को यहाँ भेजा है, लेकिन अब लग रहा है कि भाग के आई है मीरान के प्यार में। थोड़ी ही देर में तुम्हारी पोती साइन करके असलान बे बनने जा रही है। तुम क्या कहते हो नसू? देख लो तुम, किस्मत ने हमें एक खानदान बनाना चाहा है। हाँ
नसु, ये तुम्हारे अच्छे दिन हैं। तुम्हारी पोती तुम्हारे लिए जहन्नुम की आग जमा कर रही है। जब तक तुम्हारी सेहत सलामत है, जितनी चाहो खुशियां समेट। बाबा, क्या हुआ बाबा? मैं उस दिन को कोसता हूँ कि मैंने उसका अपने हाथों से गला क्यों नहीं दबाया। मुझे तो बताइए क्या हुआ। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये काफी नहीं था कि वो तुम्हारी मनहूस लड़की अब तक हमें बदनाम करती रही, और आज तो उसने हद कर दी है। वो दुश्मन के पास चली गई इसलिए कि वो हमारे दुश्मन मीरान से शादी कर ले। दुश्मन की बीवी बनने चली गई, समझ गए तुम? हमारी बची कुछ इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। मैंने कहा भी था सबसे, मैंने कहा था कि ये लड़की मीरान को चाहती है, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन वो औरत आपसे झूठ बोल रही है। वो इस तरह की बातें करके हम सबको एक साथ लड़वाना चाहती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इस बात का आपको सबूत देता हूँ। जहरा, रेहान को लेकर आओ, जाओ ना। रेहान, रेहान कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही वो? मेरी बेटी नहीं कर सकती, मेरी बेटी नहीं कर सकती। अजीजा कह रही है उसने किया है। ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बेटी मुझे इस तरह रुस्वा नहीं कर सकती। हो सकता है उसे अगवा करके ले गया हूं। बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब उन्हीं लोगों का काम है। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर। रुक जाइए भाई जान, रजा से कहोगे खिजर के पीछे जा। रजा, रजा। शुक्रिया मीरान। बेटा जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या तुम वाकई शादी का जुड़ा नहीं पहनना चाहते? बस हमारा निकाह हो जाए खैरियत से। ठीक है। रुको, अस्मा, तो आखिर तुमने सोच ही लिया कि शादुलों का नाम छोड़कर असलान बे खानदान का नाम अपना लोगी? दादी जान, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। चलो मैं तुम्हें असलान बे होने की निशानी देती हूं। ये वो निशानी है जो इंसान को हिम्मत देती है। अब से ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें इसका हक अदा करना होगा। खुशकिस्मती है उसकी जो इसे पहने। क्या तुम्हें अभी अपने किए पे फख्र है गोनल? ये लॉकेट अब तुम्हारे हवाले है। ये उस वक्त तक तुम्हारी गर्दन के साथ रहेगा जब तक ये तुम्हारे लिए कयामत न बन जाए। असलान बे खानदान में खुशामदी। तकरीब जारी रख सकते हो तुम लोग। मैंने सिर्फ आपकी बात मानी और पेपर पर साइन कर दिया। देखें, मेरी आंखों के सामने इन दोनों की शादी हो रही है और मैं कुछ नहीं बोल रही हूं। बहुत अच्छा किया तुमने बेटी, आफरीन है तुम पर। अब आपकी बारी है, बताएं मुझे मेरा भाई कहाँ है।
कबूल है। नीचे करें अपनी। किसी का लिहाज नहीं करूंगा, पीछे हटो। तुमने मेरी बेटी को क्या कहा है? किस चीज से डराकर मेरी बेटी को यहां पर लाए हो? हाँ फिरात, अपनी गन्स नीचे करो। आ जाओ बेटी, चलते हैं यहां से। डरो मत बेटी, किसी में इतनी जरूरत नहीं जो हमें रोक सके। आ जाओ चले यहां से। मुझे किसी ने नहीं डराया, मैं अपनी मर्जी से आई हूं यहां बाबा। क्या ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो बेटी, मुझे सच सच बताओ, किस बात से डराया है तुम्हें इन लोगों ने? हाँ क्या कहा है तुमने मेरी बेटी को जो ये मान गई है? किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने भी दबाव नहीं डाला। मैं अपने दिल की सुन के आई हूं यहां। प्यार करती हूं मीरान से। क्या कह रही हो तुम? क्या क्या तुम खुद यहां आई हो अपनी मर्जी से? मगर बेटी तुमने हमें छोड़ दिया, अपनी अम्मी और कुल का भी नहीं सोचा है? मैंने आपको नहीं छोड़ा है बाबा, लेकिन अब यही हकीकत है कि हम दोनों साथ हैं। ये नामुमकिन है, इनकी बातों में मत आओ। ये तुमसे प्यार नहीं करता बेटी, तुमने एक बार यकीन किया है मीरान पर, दोबारा ऐसा मत करो। तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा मैं, चलो आ जाओ बेटी। हमारे घर की बहू को कहाँ लेके जा रहे हो तुम? एक बीवी की जगह हमेशा उसके शौहर के पास है। बस करो अजीजा मैडम, बहुत हो गया, बस कर दो। लो ये लो, खुद देख लो अपनी आंखों से। झूठ है ये सब। ये सच है बाबा, इस बार बिल्कुल सच है। क्या कहा?
ये क्या किया? कैसे कर सकती हो तुम? तुम जानती भी हो कि इन लोगों ने कितना बुरा सुलूक किया था तुम्हारे साथ और हमारी कितनी बदनामी हुई थी पूरे शहर में। मेरा नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करती। ठीक कहा बाबा आपने, मगर मेरा प्यार मेरे मासी पर गालिब आ गया। आज के बाद मेरा घर यही है और मैं भी अब यहीं रहना चाहती हूं। मुझे किसी ने नहीं डराया, मैं अपनी मर्जी से आई हूं यहां बाबा। मैंने आपको नहीं छोड़ा है बाबा, लेकिन अब यही हकीकत है कि हम दोनों साथ हैं। भाई मगर मेरा प्यार मेरे मासी पर गालिब आ गया। आज के बाद मेरा घर यही है और मैं भी अब यही रहना चाहती हूं। अपने आप को संभालो तुम रेहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अगर असलान भी खानदान की बहू बनना चाहती हो तो असलान भी की तरह रहो, नहीं तो। नहीं तो क्या? दोबारा मुझे भरे बाजार के बीच में फेंक आएंगी? रियान छोड़ो, जाने दो उसे, चीखने दो, चिल्लाने दो, ऐसे ही अपने अंदर से शादुलो खानदान का खून खत्म करेगी। हाँ। और हमारी कितनी बदनामी हुई थी पूरे शहर में। मेरा नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करती। लोगों को आदत हो जाएगी, सब कुछ वक्त पर छोड़ता, यकीन करो हम दोनों इतने खुश होंगे कि तुम्हारे पापा उन समेत हर कोई कबूल कर लेगा हमें जल्दी। सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो मुझे और थोड़ा सा सब्र प्लीज। कितना वक्त दूं? 3 महीने या 5 साल? बाबा को जो जख्म आज मैंने दिया है क्या वो कभी भर पाएगा? और अम्मी, मैंने आज तुमसे शादी करके उनकी नजरों में अपनी जगह हमेशा के लिए खो दी है। ना मेरे बाबा और ना ही कभी अम्मी मुझे माफ कर पाएंगी।
दिल दुखाया है उनका मैंने बहुत। वो लोग तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे मेरे लिए, और मैंने क्या किया? रियान, मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी वजह से अपनी नजरें नहीं उठा पाएंगे। क्या तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है? पहली दफा की थी तब पछतावा हुआ था, मेरी एक बात का जवाब दो तुम। क्या मुझे दोबारा शर्मिंदा करोगे कभी? आज के बाद अपने अल्फाज से नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हें खुश रखकर इस बात का जवाब दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें सारा माजी भुलवा दूंगा, यकीन करो मेरा। इस बार जो शादी के लिए हां की है, इसका तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। कोई भी तुम्हें मुझसे अलहदा नहीं कर सकता। आ जाए आजाद भाई, खाना खाने से पहले हम दोनों एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है। गेम खेलते हैं? परेशानी नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें पता है सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग डरपोक हैं, समझे तुम? आजाद भाई, ऐसी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं आप डरपोक नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। और वैसे भी आप शादुल खानदान के वारिस हैं, फिक्र नहीं करें, सब कुछ जल्दी ठीक होगा। एक बात अच्छी तरह कान खोल के सुन लो तुम, मैं यहाँ क्यों आया जानते हो? सिर्फ और सिर्फ रेयान की वजह से, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। अगर वो ये नहीं कहती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। चाय के साथ कुछ केक बनाए हैं। जरा भी अकल नहीं है तुम में, ले जाओ इन्हें। ये खिजर मुझे पागल कर देगा, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। जान, फोन मिलाओ उसे। वो फोन नहीं उठा रहे बाबा, मैं फिर ट्राई करता हूं। नहीं, नहीं उठा रहे। बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। बाबा, सिर्फ रजा को उनके साथ भेजकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? 10-12 लोग और उनके साथ होने चाहिए थे। अब हम क्या करें उस लड़की का? उसने भाई को भी थका दिया है और हमें भी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, हमारा खून हो के वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि बातों से कुछ भी नहीं होता।
उन पर निगाह भी रखनी पड़ती है कि वो कर क्या रहे हैं। अब हमारी बेटी यारिन को ही देख लो। मुझे तो इस खामोशी से डर लग रहा है। जान, अपने आदमियों को इकट्ठा करो और तुम सब जाओ खिजर के पीछे। जी बाबा। मैं यहाँ अपने बेटे की जिंदगी बचाने में लगी हूँ, लेकिन लगता है कि मेरा शौहर भी जद में आने वाला है। बहू, आएगी मेरी बेटी, जरूर आएगी। खिजर साहब, रेहान कहां पर है? रेहान, रेहान किधर हो? क्यों नहीं लाए रेहान को? रेहान बताइए मुझे, आप तो उसे लेने गए थे ना। जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो नहीं आई जहरा, नहीं ला सका उसे, उसने शादी कर ली। चलो बेटी मेरे साथ, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मीरान से बहुत प्यार करती हूं, आज के बाद यही मेरा घर है। नहीं नहीं, आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं कह सकती है। ऐसा नहीं कहा होगा खिजर साहब, उसने आपने गलत सुन लिया होगा। रेहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है मेरे साथ, ना कुल के साथ, ऐसा नहीं कर सकती है। वो मेरी बच्ची, आपको नहीं पता। सच कह रहा हूँ मैं, रियान ने ये सब कुछ मेरी आंखों में आके डाल कर कहा है। जहरा, मैंने उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि उसकी खातिर अपने पापा से भी लड़ गया हूँ। इसके बावजूद क्या किया है उसने, कैसे हमें दुख दे सकती है वो? समझ नहीं आ रहा क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, क्या कमी रह गई थी। मेरी बेटी ऐसा नहीं कह सकती है, ऐसा नहीं कहा होगा उसने। ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये तो वाकई सच निकला, उन दोनों की शादी हो गई। बाजी, बाजी संभालो खुद को। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर, संभाले प्लीज। देख लिया ना, जिसके लिए मेरे सामने खड़े हुए थे तुम, उसने तुम्हें अपना असली रंग दिखा दिया। उसने एक ना एक दिन तुम्हारा सर नीचे करना ही था। अपनी औलाद अपनी ही होती है खिजर, याद रखो। उसने साबित कर दिया कि उसकी रगों में शादोलो खून नहीं है। मुझे आज के बाद तुम उस लड़की की तरफदारी करते ना दिखो। तुमने देखा ना ये सब करके क्या सिला मिला, आज के बाद वो हमारे लिए मर चुकी है। सुन लो सब, और याद रखना, आज के बाद वो भी हमारे लिए दुश्मन है। आज से कोई इसका नाम नहीं लेगा, और अगर किसी ने लिया तो वो भी हम में से नहीं है। उससे कोई भी नहीं मिलेगा,
और अगर कोई उस मनुष्य से मिला तो खुदल की कसम इसी जमीन में उसे काट दूंगा। मेरी बच्ची बाजी संभालो खुद को। सबर करो बेटा। शुक्र है अब इस मर्तबा वो वापस नहीं आएगी। चलो अंदर चलते हैं। रयान तुम देखना मैं तुम्हें मीरान के दिल से और उस हवेली से बाहर कैसे फेंकती हूं। इसके लिए चाहे मुझे किसी की भी कुर्बानी देना क्यों ना पड़ जाए। बस एक बार भाई, बस एक बार फोन उठा ले प्लीज। हाय अरिन। थैंक गॉड भाई। अरिन हेलो। हम परेशान थे बेटा, बस आवाज सुननी थी तुम्हारी। माशाल्लाह ठीक लग रहे हो। अपने नाना को सलाम देना, रखती हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? तुम उसे पीछे भेजना चाहती हो रियान के? अम्मी आप गलत समझ रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ये कहानियाँ किसी और को जाके सुनाना। बेटा तुम्हें मैंने पैदा किया है, तुम्हारी हर चाल का मुझे इल्म होता है। आखिर तुम कैसे समझोगी मेरी समझ से बाहर है? अम्मी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। यारिन ने कॉल की और अम्मी ने कट कर दी। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। और अब नंबर बन जा रहा है। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। पता तो है अपने दादा के बारे में कि वो किस आदत के हैं और किस तरह के हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी मां भी है, गुल भी है। मुझे लगता है इतने लोगों का प्यार काफी होगा। मेरे प्यारे बाबा, क्या तुम डर तो नहीं गई? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है। हमारा रास्ता बहुत लंबा है, इसमें मुश्किलें हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हो। मैं इसी रास्ते पर चलूंगा क्योंकि यह रास्ता मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे दर्द भुला दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी वापस लाऊंगा। मेरे बाबा का देखना, उनकी बातें मैं भूल ही नहीं पा रही हूं। मीरान उनकी बहुत याद आ रही है। वो जरूर मान जाएंगे रेहान, जरूर मान जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त। हाँ
कौन है? मीरान छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो हमने शादी कर ली, तुम्हारे पास हूं मैं। कबूल करना ही पड़ेगा सबको, और ये भी कबूल करेगा। सॉरी, बस आगे मत आना, मैं उठवाता हूं इसे। हाँ अस्मा खाला। हाँ बेटा। रियान के कपड़ों में चाय गिर गई है, जरा एलिफ से कपड़े तो ला दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आए। परेशान मत हो तुम, अस्मा खाला भी कपड़े ले आती हैं। अस्मा, शहरयार नीचे जाओ, जरा जल्दी से एलिफ से कपड़े लेकर रियान को दे दो। वो बेचारी घर से भाग कर आई है, उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। काम पर ध्यान दो अपने। छोड़ो मत करो रियान, इसे मैं वॉश करवा देता हूं अभी। यही एक चीज है जो मैं अपने साथ लेकर आई हूं मीरान। ठीक है, मिलकर साफ करते हैं। हटो। जब हम अपने घर चले जाएंगे तब वहां सब कुछ तैयार होगा, यहां तक के कपड़े भी। मैं कर लूंगी। रुको रेहान, मैं कर रहा हूं ना, तुम रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ? ठीक है, अभी हो गया है साफ। मैंने कहा ना कि हो गया है साफ, और बाकी जब सूखेगा तो नजर भी नहीं आएगा निशान। खाने के लिए जाने में कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं दादी को बोल चुका हूं। मैं बस सुकून और खुशी चाहता हूं रेहान, इसके अलावा कुछ नहीं। जो तुम नहीं चाहती वो मत करो। कोई दरवाजे पर है, आ जाए। मैं दुल्हन के लिए कपड़े लेके आई थी। शुक्रिया। ठीक है, तुम बाहर जाओ ताकि मैं बदल लूं। ठीक है। रियान बेटा, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब जल्दी से इन्हें देखो और मुझे बताओ तुम्हें पसंद आए। हाँ, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, और ये रंग कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मेरी बेटी, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे लाकर दूंगा। शादी ही नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहती। बेटी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम हमसे कभी भी अलग नहीं होगी, हमेशा हमारे दिल में रहोगी। खिजर साहब। बोलो जहरा। आजाद ने फोन किया है। क्या? मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? पर इसने क्यों फोन किया है? अगर उसे कहीं रियान की शादी का पता चल गया तो हम क्या करेंगे? अगर उसने गुस्से में आकर कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं उसे कॉल कर पता करता हूँ। परेशान मत हो। जी बोले। आजाद तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। खैरियत, तुमने कॉल की थी? जी मैंने की थी कॉल। असल में बात यह है कि यारिन की कॉल आई थी और अम्मी ने मुझसे बात की और बात करते हुए कॉल कट कर दी, और जब मैंने कॉल की फोन बंद था। ये बताएं वहां कोई परेशानी तो नहीं? अगर कुछ हुआ है तो मैं आज। यहाँ पर सब ठीक है बेटा, तुम तो अपनी अम्मी और अपनी बहन को जानते ही हो ना, बिला वजह बात बढ़ाती हैं। अंकल देखें,
मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा करता हूँ। प्लीज सच बताएं मुझे, आप लोग ठीक है? रेयान ठीक है? मैंने कॉल की थी उसे लेकिन फोन नहीं उठाया। वो ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। रेयान बाग में है और कुल भी उसके साथ है। दोनों ने बाग की दीवार पर साइकिल बनाई है, तुम तो जानते ही हो ना। गुल अभी छोटी है, उसे अपने घर की याद आ रही है, तो इसीलिए रेहान उसके साथ खेल रही है ताकि उसे घर की याद ना आए और वो बहल जाए। बस यही बात थी बेटा। याद तो करेगी ना, आखिर उसने एक वक्त गुजारा है। लेकिन मैं असलान बे वालों को छोड़ूंगा नहीं, उनको भी हर चीज का हिसाब देना होगा अंकल। हाँ ठीक कहा आजाद, हिसाब तो देना होगा, लेकिन बेटा हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारा दुश्मन बहुत होशियार है, सोच समझ कर कदम उठाना है, समझ गए? जी ठीक है, घर में सबको सलाम दीजिएगा मेरा। भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब्बू अम्मी छुपा सकते हैं मुझसे लेकिन अंकल कुछ नहीं छुपाते। मैंने झूठ बोल दिया है जहरा। आपने बिल्कुल सही किया है खजर साहब, रेयान और आजाद के लिए यही बिल्कुल सही है। मैंने कहा चलो बेटी मेरे साथ, उसने मेरी आंखों में आंखें ढाल कर कहा मैं मीरान से बहुत प्यार करती हूं, आज के बाद यही मेरा घर है। मेरी बच्ची, कैसे उठाऊं मैं ये कॉल, कैसे उठाऊं? मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, तुझ में हिम्मत नहीं कि आपकी आवाज का भी सामना करूं। कॉल अटेंड करो, मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे प्यार को भी समझती हूं, लेकिन तुम यही बात मुझे खुद बताओ, मैं क्या कहूंगी आपसे? मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगी। मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू है, मगर मेरी किस्मत में यही लिखा था। मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा अम्मी। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, मुझे जरूरत है आपकी दुआओं की। या अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखना, उसे हमेशा खुश रखना। तू बेहतर जानता है मेरे मालिक, तू अजीम है। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना, मैं अपनी बेटी तेरे हवाले कर रही हूँ या अल्लाह। चलो भाई आ जाओ सब टेबल पे, दुल्हन को आने दो फिर साथ ही खाना शुरू करेंगे। चलो अस्मा शहरियार बैठो, चलो सब मिलके खाना खाएंगे शादी का।
गुड इवनिंग आप सबको। हरगिज नहीं, अब तो हद पार हो गई। तुम गोनल की जान भी ले लो ना, तुम्हें सुकून आ जाएगा। बस चले तो तुम ये भी कर दोगे। मैंने तुमने मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं, जरूर उसे दुख देना चाहती हो ना? हाँ जवाब दो। बस आंटी बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? गोनल चुप है मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती मीरान? मेरा मसला इसके कपड़े नहीं, मेरी बेटी है। इसने अपना घर बांटा है, अपने शौहर को छोड़ दिया, आखिर अब क्या रह गया है? सब कुछ तो कर लिया उसके लिए, अब हमें बेघर करना बाकी है। आंटी मैंने कहा बहुत हो गया, बस खामोश हो जाएं आप। क्या आप कुछ नहीं कहेंगी अजीजा खानम? इतनी कदर तो आप अपनी बेटी की नहीं करती जितनी इस लड़की की करती हैं। अम्मी बस करें। रेहान मेरा ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अस्मा खाला, मैंने आपसे कहा भी था कि कपड़े एलिफ से लेकर दीजिएगा, तो ये क्या किया आपने? मुझे जवाब दे अस्मा खाला। मिरहन फिरात, रुक जाओ, अंदर नहीं आया मिरहन। I'm sorry रेहान। रेहान अगर कपड़े पहन लिए तो मैं मुड़ जाऊं? हाँ। बस एक मिनट। रेहान उदास मत हो, ठीक है? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि ये कपड़े उसके, अगर मैं जानती तो कभी भी नहीं पहनती। चलो चलो। कहाँ? हम अपने घर जा रहे हैं रेहान, चलो। पहन के आ गई ना कपड़े अपनी औकात के हिसाब से। आपने मुझे आखिरी दिन भी इस घर में सुकून से नहीं गुजारने दिया। चलो चलें रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से तुम रेहान को मीरान के दिल से निकाल पाओगी गोनल? बताओ मुझे। ये क्या किया आपने? आपने अपने कपड़े रेहान को दे दिए गोनल? आप ही ये आपने बहुत गिरी हुई हरकत की है गोनल। आप ही गिरी हुई हरकत? अपनी जुबान संभाल कर बात करो एलिफ, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अपनी हद में रहना सीखो, समझी? अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके जहन में कुछ चल रहा है, जरूर कोई गेम प्लान कर रही हैं आप। बात करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लो कि तुम क्या कह रही हो। अगर मुझे कोई गेम खेलना होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं अजीज़े इस्लाम बे की पोती हूँ, सही कहा ना दादी जान? अच्छा तो आपने कुछ नहीं किया तो क्यों चले गए मीरान भाई यहाँ से? बस बहुत हो गया, कुछ नहीं किया मैंने। और अपनी इर्द गिर्द देखो, तुम देखो जरा कहाँ है हम? शादी के खाने पे, और वो भी उस शख्स के जो मेरा शौहर था, और उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कई साल मैंने उसका इंतजार किया है, कई साल। अब तुम बताओ मुझे, मेरे साथ क्या सही हुआ? उस लड़की ने मेरी खुशियाँ छीन ली, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, समझी? सारा कसूर आपका ही गुनलापी। पहले आप सच्चाई का आईना देखे। रेहान के आने से पहले मेरान भाई और आपकी जिंदगी क्या अच्छी थी? तो
तुम भी गोनल आपी के साथ इस तरह पेश आ रही हो? हाँ थू, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला और रवैया देख रही हो तुम अपना? अजीजा खानम, गोनल को कुछ ना कहने वाली सिर्फ नौकरानी ही रह गई है, नजर आ रहा है आपको? चलो बेटी चले। छोड़िए अम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है दादी जान। हर मौके पर मेरे ही कंधे पर बंदूक रख के चलाई है आपने, और आप जानती हैं कि मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब। आज मैं जिस हाल में हूँ उसकी वजह सिर्फ आप हैं। ठीक है, आप ही रिलैक्स हो जाए, छोड़ी सारी बातों को। क्या ठीक है, क्या छोड़ दूँ मैं? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और तुम ये सब इतनी आसानी से कह रही हो कि गुलाल अपनी संभाले खुद को, अगर मेरा संभाले तब क्यों ये सजा मिली है? तुम बताओ एलिफ, तुमने मुझसे किस तरह बात की है आज उस लड़की की वजह से? बताओ मुझे एलिफ, बताओ। मुझे तो ना इस टेबल पर और ना इस घर में रहने की जरूरत है। मेरी बेटी अकेली नहीं है इस मामले में, उसके साथ हूं मैं। एलिफ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम अजीजा खानम की खास पोती हो, समझ आ गई? इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। एलिफ, मुलाजमों से कह के ये सब साफ करवा दो। गोनल साहबा, आप ठीक तो हैं? शहरयार, आ जाओ। गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये लो तुम्हारा इनाम। सच कहूं तो सच जानने के बाद मुझे खुद पे शक होने लगा है, उन लोगों को अब हमसे डरना चाहिए गोनल साहबा। हाँ, अजीजा असलान बे की पोती हूँ और सुल्ताना असलान बे की बेटी। मैं तो यहाँ तुम्हें तसल्ली देने के लिए आई थी, लेकिन माशाल्लाह तुम तो छुपा रुस्तम निकले, मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी हो। अब ऐसे ही होगा अम्मी। चलो अब उदास मत हो प्लीज, सब खत्म हो गया। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं रियान, मैं चाहता था कि दादी जान आज के दिन हमारे साथ रह लें, बस चाहता था कि हम रात का खाना सबके साथ खाएं, मगर शुक्रिया उनका। खैर छोड़ो, परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए मैं दोबारा ऐसे नहीं होने दूंगा। रियान, मैं नहीं चाहता कि तुम पहले की तरह हर वक्त अफसरदा रहो, प्लीज। अब हम अपने घर जा रहे हैं, दोबारा से सब कुछ शुरू करेंगे, आज के बाद तुम और मैं नहीं हैं, अब हम हैं। सामने देखकर चलाओ। हंदान, बाकी सब कहाँ हैं? बाबा और यारिन ने तो अपने कमरे में खा लिया है, बाकियों का मुझे पता नहीं। टेबल लगी है, जिसने खाना है खा ले आके। ठीक है। ये क्या बात हुई, आपने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? आपको पता है मुझे भी बहुत भूख लगी है। बेटा अगर भूख लगी है तो बैठ जाओ, निगार आंटी सूप ले आएंगी। भ
भाई नाराज ना होइएगा, बाबा और यारिन ने अपने कमरे में खा लिया और देखा कि आप यहाँ नहीं है तो हमने सोचा आपने भी रूम में खा लिया है। ऐसा कभी हुआ है कि एक ही घर पर रहकर हमने अलग अलग खाना खाया हो? भाई हमने सोचा आप उदास हैं बस इसलिए, और आप हैं कि अपना गुस्सा मुझ पे उतार रहे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको रियान पर गुस्सा है और आप अपना गुस्सा मुझ पे उतार रहे हैं। ठीक है जहान। क्या ठीक है भाई? क्या आपको गुस्सा नहीं कि आपकी बेटी दुश्मन की बीवी बन गई है? बस करो जहान, रियान के बारे में अब कुछ मत कहना वरना अच्छा नहीं होगा। हद पार मत करो। वो मैं नहीं हूँ जिसने हद पार की है भाई, आपकी बेटी ने हद पार की है। आप खुद देखें, आपकी बेटी की वजह से हम घर बार छोड़कर कहाँ पड़े हुए हैं, खुद ही देख लें। क्या हमने आजाद को बाबा के पास रियान की वजह से नहीं भेजा? बीच में मत बोलो। क्यों बीच में ना बोले? हाँ क्या सिर्फ भाभी ही माँ है और आप ही सिर्फ बाप है क्या? रियान की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर है। हमने आजाद को इसलिए दूर भेजा ताकि उसकी जान महफूज रहे। अगर आपकी बेटी ये कदम ना उठाती तो आज हमारा बेटा भी हमारे पास होता। बताएं भाई, बोलें, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मेरा जमीर इजाजत नहीं देता कि मैं ये कहूं कि आपकी बेटी मर जाए। जैसी आपके लिए आपकी बेटी है वैसे ही मेरे लिए मेरा बेटा है। अगर बात मेरे बेटे की जान की आती है तो न मैं रियान को देखूंगा न मीरान को। कोई जिए या मरे मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? हाँ, इसका मतलब है मीरान पर हमला करवाने वाले तुम ही थे। भाई आप क्या कह रहे हैं, क्यों घूम फिर कर उसी एक बात पर आ जाते हैं? बता तो चुका हूँ। क्या मतलब है, आखिर सच बोल ही दिया। कितनी बार बता चुका हूँ कि ये हमला मैंने नहीं करवाया। तुमने कोई दिलचस्पी नहीं ली हमले वाली बात पर। देखो तुम ये सोचते हो अगर मीरान मर गया तो आजाद जिंदा रहेगा तो ये भूल है तुम्हारी। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। मेरी बेटी उनके पास है और वो उस पर जुल्म करेंगे, और दुआ करना कि ऐसा कभी भी ना हो। वरना याद रखना मेरे सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ तुम होगे। जान, क्या कह रहा है ये? हाँ? क्या खिजर सच कह रहा है? क्या मीरान पे हमला तुमने करवाया था? बाबा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे खानदान का सर झुक जाए। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, आप मुझे जानते हैं। अगर मैं इस मामले में पड़ा होता तो आज मीरान असलामबे जिंदा ना होता। ठीक है तो अब आप बताइए, कभी मैंने आपका कहा टाला या आपके और भाई की पीठ पीछे कुछ किया? भाई आप बताइए, जबकि सबकी नजर हम पे है तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? कैसे मुमकिन है ये? वाकई आप मुझे नहीं जानते? तो किसने हमला करवाया? मुझे कैसे पता होगा? बात कर सकती हूँ आपसे गोनल खानम? खाने की मेज पे तुमने ये क्या ड्रामा किया? लगता है भाई के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे नहीं लगता आप मुझे बताएंगी दादी जान। और यही सच भी है, लेकिन अगर तुम अपने इस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके चीजें खराब करती रहीं तो तुम मीरान को घर से और अपने भाई को अपने आप से दूर कर दोगी, और जिन दो हस्तियों की शिद्दत से तालिब हो उन्हें खो दोगी तुम। ऐसी बात है तो मैं खुद ही रास्ता निकाल लूंगी। मीरान को भी घर वापस ले आऊंगी और अपने भाई को भी ढूंढ लूंगी, और मेरे रास्ते में आने की गलती नहीं कीजिएगा। अगर तुम अकेली चली और कहीं गिर गई तो ये बात जहन नशीन रखना कि मुजरिम ना तो पत्थर होगा और ना ही मैं। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मैंने क्या कहा है तुमसे। मैं तो बहुत अच्छी तरह सोच चुकी हूँ दादी जान, और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं नहीं कर सकती तो ये आपकी भूल है। इस बार खेल का पासा मैं पलटूंगी, बस आप देखती जाएं। अली मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें मीरान की गाड़ी ढूंढनी होगी, जो करना है करो, लेकिन जल्द से जल्द मुझे उस गाड़ी का पता लगाकर फौरन बताओ। और सुनो अली, एक बात याद रखना, ये काम बहुत राजदारी से करना है, समझ गए? खुदा हाफिज।
हमारा घर। हमारा घर। हाँ, सिर्फ मेरा और तुम्हारा घर रेयान, हर चीज से दूर, सिर्फ तुम और मैं और हमारे ख्वाब, बस। मेरे ख्वाबों में हमेशा तुम दूर रही हो, पर अब तुम यहां पर हो। हम यहां हैं। आखिरकार वो टाइम आ गया रेहान, जब हम एक साथ एक घर में रहेंगे और यही हमारी पूरी दुनिया होगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तुम मेरे साथ होगी, तुम्हें खोने का डर नहीं होगा। और जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। ये दरवाजा हम बंद कर देंगे मुश्किलों के लिए, सब कुछ बाहर रहेगा। लेकिन हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, तुम्हारी सोच से ज्यादा खुश रखूंगा मैं तुम्हें। इस घर के हर कोने से मुझे तुम्हारी खुशबू आया करेगी रेहान। कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं होगी यहां। जब चाहूंगा देखूंगा, अपनी नजरों के सामने रखूंगा तुम्हें। दरवाजा तुम खोला रेहान, तुमने मुझे सिखाया कि यहां एक और जिंदगी भी है। हम इस वक्त उस नई जिंदगी के दरवाजे पर हैं। सामान तो पहुंच गया, लेकिन अब तक सेट नहीं हो सका ठीक तरीके से। कल सुबह कुछ लोग आकर सब सेट कर देंगे। सब कुछ थोड़ा जल्दी में हुआ, पर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है ना?
रियान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? घर पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे आने से यहां सब कुछ और खूबसूरत हो जाएगा। आखिरकार वो टाइम आ गया रेहान, हम दोनों मिलकर इस घर को बनाएंगे इंशाल्लाह। हमें इस चीज की कदर भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि हम एक दूसरे से अलग रह चुके हैं पहले। अब मेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। ये दीवारें हमारे लिए बोझ नहीं, हमारा सहारा बनेंगी। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे और हर वो चीज जो हमारी है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, इस घर में अपनी कहानी दोबारा से लिखेंगे। और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशी के होंगे। आंखें खोलो प्लीज, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, देखो मुझे, खोलो अपनी आंखें प्लीज, आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ तुम्हें रियान। मीरान, मीरान, रियान तुम ठीक हो? रियान क्या हुआ तुम्हें बताओ? मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं मार सकते, नहीं मार सकते तुम्हें, तुम्हें नहीं मार सकते, हौसला करो प्लीज। चलो हम यहाँ से चले, चलते हम यहाँ से, नहीं जाना, नहीं मुझे। हमें जाना होगा यहाँ से प्लीज, नहीं हमें जाना होगा, मीरान चलो यहाँ से चले प्लीज, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ। मीरान पीछे हट जाओ, वापस आ जाओ, रुक जाओ रियान, तो देखा तुमने मीरान शादी, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर तुमने अपनी मोहब्बत मेरी आगे झुका दी तो मैं इस मोहब्बत को भी इंतकाम में शामिल कर लूंगी? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा प्यार मेरे लिए नफरत का बाइस है? मैंने कहा था अपने दिल को सख्त रखो, तुम अपने दिलो दिमाग में फंस नहीं सकते, लेकिन तुम फंस गए। और जब मैंने रियान पे दबाव डाला कि तुम्हें और अपने खानदान में से किसी एक को चुनने दो, कभी भी नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे कुछ बचे या ना बचे अम्मी जान। मैं सिर्फ इसी इंतकाम को लेने के लिए जी रही हूं, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकते मीरान। मेरे हाथ तक नहीं लगाया गोनल इस्लाम बे को,
अजीजा खानम, मैं शफीक। जैसा कहने के लिए आपने कहा था मुझे, मैंने वो सब आजाद को कह दिया है और अब आजाद आप पर हमला करने आ रहा है। हेलो, आजाद और मीरान ने बाजार के बीचों बीच एक दूसरे पे बंदूक तान दी है। एक दूसरे पे बाजार के बीचों बीच? जल्दी कुछ ना कुछ कीजिए। अच्छा तुम फोन तो बंद करो, मैं कुछ करती हूँ अभी। हेलो, वो लोग बंदूकें लेकर बाजार पहुंच गए, जल्दी जाके इस वाकये के बारे में हशमत आगा को फौरन आगाह करो। उन्हें बताओ कि शादुलो खानदान के आजाद ने हमारी नामूस पर बदला लेने के लिए हमला किया है। जो करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। मुझे अपना खून बहाना मंजूर है, लेकिन इस औरत के सामने कभी भी झुकूंगा नहीं मैं। सब कुछ बिगाड़ गया, नसू तो नहीं मानेगा, अब क्या करोगी? अब से ये मसला नसू का नहीं रहा बल्कि रेयान का बन गया है। वो खुद आएगी अब हमारे पास। मतलब आपको जल्दी से कुछ करना होगा खानम। अस्मा, अगर मीरान और रेयान शादी नहीं करेंगे तो फिर आजाद शादुलू मारा जाएगा। अपने छोटे छोटे दिमागों के साथ ये लोग अजीज़े असलान बे की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भागो शहरियार, भागो और फौरन जाके शादुलो खानदान को ये सारी बातें बताओ। अगर जासूसी कर ही रही हो तो फिर उसका हक भी अदा करो, बताओ जाके, ताकि रेयान खुद चल के आए। मैं जाऊंगा और नसू शादोला से बात करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। हेलो, कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुनो। मीरान हवेली से निकल चुका है, पहली गली में उसका रास्ता रोक के उस पर हमला कर दो। मेरी बात याद रखना, गाड़ी को जो मर्जी चाहे नुकसान पहुंचाए, लेकिन मीरान का बाल बीबी का नहीं होना चाहिए। समझ गए तुम? अगर मैं तुम्हारी जान खतरे में ना डालती तो रेयान कभी ना आती। मैं और रेयान शादी कर लेंगे और अपने घर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपने बुलाया मुझे अजीजा बेगम? तुम लोग अपनी तैयारी रखो, जैसे ही मीरान और रायान अपने नए घर में जाएं, थोड़ी ही देर बाद तुम लोग वहां पर गोलियों की बौछार कर देना। अगर वो लोग मर गए? वो इस हवेली में वापस आएंगे, चाहे अपने पैरों पर या फिर ताबूत में। अगर वो अपने पैरों पर आए तो खेल चलता रहेगा, और अगर ताबूत में आए तो मेरा पोता बदला लेगा असलान बेग का। और अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत पे हमला ना करती तो क्या तुम वापस आते? मैंने कर दिया मीरान, मैंने खेल को एक नया मोड़ दे दिया। मैं तुम्हें बदले की आग में दोबारा लाऊंगी। मैंने रेयान को तुम्हारा बनाया और तुम्हें इस घर में वापस भी ले आई। शादुलो खानदान के लिए जहन्नुम का रास्ता खुद शादुलो खानदान के लोग ही बनाएंगे। तुम लोगों की जहन्नुमात से शुरू हो गई। मीरान भाई, मीरान भाई, आप ठीक तो हैं ना? रेयान, तुम ठीक हो ना? बेटा तुम ठीक हो? अस्मा आंटी, जल्दी से पानी ले आओ। शहरयार, जल्दी से जाके पानी ले आओ, जल्दी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? कहा था ना कि हवेली छोड़ के मत जाना? आगाह किया था कि अगर तुम हवेली छोड़कर गए तो इस हवेली को लावारिस समझकर वो या तो यहां पर हमला करेंगे या फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद है? लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और जो चाहा वो किया।
अब तुम्हें समझ आया कि यहां से जाने से क्यों मना किया था मैंने? हाँ, अब समझ में आया? एक छत के नीचे साथ रहने पर मैं क्यों जोर दे रही थी? समझ में आया तुम्हें? बस कर दीजिए, बस और गुस्सा मत करें। तुम ठीक हो? शुक्र है, बहुत शुक्र कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या सोचा है तुमने? हाँ बताओ मुझे मीरान, छोड़ेंगे नहीं? मीरान है, चलो आ जाओ प्लीज। पानी लेकर आओ जल्दी। तुम समझते हो वो खामोश बैठेंगे? हाँ तुम क्या समझते हो कि जिसने अपने खून पर रहम नहीं खाया वो अपने दुश्मन पर रहम खाएगा? आखिर यूं कब तक वापस आते रहोगे मीरान? तुम्हें इस खौफ में मुब्तला करके तुम्हारे हवासों को मुअत्तल करने वाले, जब तक मुझे अपने पोते को खोने का दुख नहीं दे देंगे वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दादी जान, सारी बातें कर लीजिएगा प्लीज, लेकिन अभी नहीं। बात करने को अब कुछ बचा भी नहीं है, तुम्हारी वादा खिलाफियां और बेअमल नसीहतें बाकी रह गई हैं बस। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, शादोलो वाले रियान की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है किसी और ने किया होगा दादी जान। तो फिर ऐसा और कौन कर सकता है एलिफ? शादलो के अलावा और कौन असलान बे के साथ ऐसा करने की जुरत कर सकता है? इनके खून में कातिल बनना लिखा है। खिजर शादलो ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। अब बस कर दे प्लीज। मेरे पापा कातिल नहीं है, ना उन्होंने किसी की जान ली है और ना ले सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं दुल्हन बेगम, तुम्हारे दादा और बाबा ने कई बार तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की, अपने हाथों तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर मीरान वक्त पे ना पहुंचता तो तुम्हारी सांसें रुक गई होती। बस कर दे दादी जान। उन्हें इन जानों को लेने का हिसाब इस दुनिया में मुझे भी और अल्लाह को उस जहां में देना ही होगा। खामोश हो जाए, खामोश। आपको रियान की हालत नजर नहीं आ रही? मीरान तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है? दो दफा मौत के मुंह से वापस आए हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, क्यों नहीं समझ रहे मीरान? क्यों नहीं समझ रहे मीरान? तुम नहीं हो तो इस्लाम में खानदान भी नहीं है, ये समझ लो। तो मैं समझ रहा हूँ गोनल, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। हमें अपनी जान की सलामती के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्या मीरान? गोनल गलत कह रही है क्या? बताओ फिक्र नहीं होगी क्या? जिस तरह तुम पर गोलियों की बरसात हुई है, इस तरह हम पर भी हो सकती है मीरान। क्या चाहते हो, हम इस घर में कैद हो जाएं क्या? हाँ आंटी, अब तुम अजीजा मत बनो एलिफ, आप सब चुप रहेंगे और सिर्फ मैं बोलूंगी। सुना मीरान, बताओ मुझे क्या करेंगे और तुम इस बारे में क्या करोगे? शादोलो हमें जान से मार दे, क्या इसका इंतजार कर रहे हो तुम? मैं आपसे कह रहा हूँ आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बहुत बोल लिया सबने, अब खामोश हो जाए सब। मीरान तुम अगर सिम का तायुन किए बगैर तैरोगे तो डूब जाओगे, याद रखो। और मैं उस पानी के बहाव को अच्छी तरह जानती हूँ। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को, तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? बहुत शुक्र है कि तुम दोनों बार उनके वार से जिंदा बचाए, मैं तीसरे वार का इंतजार नहीं करूंगी। अब चूंकि शादुलों ने जंग का आगाज कर ही दिया है तो फिर जान लो अच्छी तरह, ना तो कोई संग बाकी रहेगा और ना ही शानों पे कोई सर। फिरात, तैयार करो अपने आदमियों को। महमूद, गाड़ियां तैयार करके बाहर निकालो, हम फौरन रवाना होंगे। मीरान प्लीज कुछ करो। दादी जान, आप कुछ नहीं करेंगी, जो करना है मैं करूंगा। मीरान देखो रेहान, अगर उन्होंने सब कुछ मेरे साथ अकेले में किया होता तो मैं कुछ ना करता, खामोश रहता, लेकिन यह मसला बढ़ गया है। जब उस घर में हम पे गोलियों की बरसात हो रही थी तो मेरे दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसकी कोई माफी नहीं होगी, ना ही कोई तराफी। ये मजाक नहीं है रियान, जब तक तुम्हारा मेरा साथ है मैं हर उस चीज से लड़ जाऊंगा जो तुम्हारे सामने आएगी, चाहे उसकी वजह तुम्हारा खानदान ही क्यों ना हो। मैं अब किसी पर भी रहम नहीं खाऊंगा रियान।
यहां बात तुम्हारी जिंदगी की हो रही है रेहान। अगर तुम भी मुझे रोकोगी तो भी मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगा। मीरान प्लीज रुक जाओ। मीरान मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ब्रियान जब से मेरी जिंदगी में आई हो वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने हम पर गोलियां बरसा दी। वो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहने देंगे रियान। हमारा घर, हमारा आशियाना, हमारी कब्र बना देना चाहते हैं उसे। उन्होंने मेरे दिल को बहुत बड़ा गम देने की कोशिश की है रियान, लेकिन अब मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत ने न सिर्फ तुम्हारी अक्ल को बल्कि तुम्हें भी कमजोर कर दिया है मीरान। अगर तुम रहमदिली दिखाओगे तो तुम्हारी इस रहमदिली को वो तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। अगर इस वक्त एक कदम भी तुम उठाओगे तो जहन नशीन रखना, पूरा असलान बे खानदान तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बसाते खुद मैं भी। लेकिन अगर तुम रुक गए तो याद रखना मैं इस बार रुकने वाली नहीं। दादी जान देखो, तुम्हें अपना बनाकर दोबारा खोने का डर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता रियान। मैं किसी भी सूरत में अब उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मत करो रियान, मत करो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो, समझी? नहीं मीरान रुक जाओ। मेरा टूटा हुआ दिल, मेरा गुस्सा, मेरा दर्द सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन ये जानते हुए कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा इस तरह जाना जान ले लेगा मेरी। मैं बात करूंगी उनसे मीरान, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। इस आग को बुझाने के लिए एक मौका तो दे सकते हो ना मुझे तुम। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कैसे रियान, कैसे रुक जाओ? वो सब तो पहले ही तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। तुम चाहोगे भी तो कैसे रोक पाओगी उन्हें, क्या करोगी? मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं, वादा करता हूं तुमसे, ना ही मैं उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने की इजाजत दूंगा, ना ही उन्हें इजाजत दूंगा कि वो मुझे तुमसे छीन सके। मीरान मैंने तुमसे पहले भी कहा था, रियान नहीं तो मीरान नहीं। रियान! 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 इन्हें उठाए और अंदर लेके चले। आराम से, आराम से। डॉक्टर को कॉल कीजिए अस्मा खाला। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, असल में ये परेशानी से बेहोश हो गई है, इसे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। ये लो पानी, इसके चेहरे पर और सर पर लगाओ, इसे ये लो लगाओ, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। ये रियान, रियान मीरान, अपने आदमियों में से किसी को भेजा तो नहीं ना वहां तुमने? नहीं 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 रियान, किसी को नहीं भेजा मैंने वहां। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास। आज का दिन काफी सख्त था हमारे लिए, लेकिन तुम आराम करो प्लीज। मीरान, मीरान तुम, मीरान मैं अभी वापस आता हूं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अस्मा खाला प्लीज आप रियान के पास ही रहिएगा जब तक मैं ना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। दादी जान अगर आप वही बातें दोबारा सुनाना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं बल्कि अब तुम सुनाओगे। पहले तो ये बताओ मुझे कि तुम कब पेशकदमी करोगे।
तुम्हारी बीवी चीखी चिल्लाई और तुम रुक गए। वहां दरवाजे पे जो खड़े होके कहा था उस पर कब अमल करोगे बताओ मुझे। मैंने रियान से एक वादा किया है, इस दफा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आप सब लोगों का ख्याल जरूर रखूंगा मैं। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने अपनी बीवी से क्या कहा है और क्या नहीं, जो तमाम बातों का सबब है। मुझे अगर दिलचस्पी है तो बस इसमें जो तुमने मुझसे अपने माँ और बाप की कब्र पे खड़े होकर कहा था। तुम आराम करो, चलो मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन उनका क्या? दादी जान, मैं ना ही अपने माँ बाप का इंतकाम भूला हूँ और ना ही मैं आपसे किए हुए वादे को भूला हूँ, लेकिन हर काम करने का एक वक्त होता है ना दादी जान? क्या आप भी 27 सालों से इंतजार नहीं कर रहे? अब आपको इतनी जल्दी क्या है? सही कहा तुमने, मुझे जल्दी है। मैं इस दिन का पूरे 27 साल से इंतजार कर रही हूं, लेकिन जब वक्त आया तो फिर तुम अपने दिल के हाथों इश्क में गिरफ्तार हो बैठे, यहां तक कि जान देने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास नहीं। आज या कल ये जिस्म इस जमीन में दफन हो जाएगा, फिर मैं मेहमत और दिलशा के सामने खड़े होकर उन्हें क्या जवाब दूंगी? या उनसे कहूं तुम्हारे दुश्मन की बेटी के इश्क में गिरफ्तार होकर उसका एक आंसू बह जाने की वजह से हिम्मत हार बैठा और कहने लगा मैं उससे वादा कर चुका हूं मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा? हाँ, मैं अपने बच्चों से ये बात नहीं कह सकती मीरान, एलिफ और गोनल की जिंदगियों को दांव पे नहीं लगा सकती। जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगी, मैं इन 27 सालों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना होगा। रुको बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे जाना होगा। रियान, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? मीरान, मुझे अभी अपनी अम्मी से मिलने जाना है, उन्हें जब पता चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है वो बहुत परेशान हो गई होंगी। नहीं नहीं रियान, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अम्मी, इस हालत में कैसे मिल सकती हो तुम उनसे? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब जो करना होगा हम कल देखेंगे रियान, ठीक है? अस्मा खाला, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है बेटा। मीरान, बात को समझो, मुझे जाना ही होगा अभी। जब तक अम्मी मुझे सही सलामत नहीं देखेंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। रियान, मेरे ख्याल से वो नहीं जानती इस बारे में, वरना अब तक खामोश रहती क्या वो? और अगर हमने उनको बता दिया तो बहुत डर जाएंगे वो, समझी? मैं तुमसे वादा करता हूं मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं रियान, ठीक है? चलो आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो प्लीज। पता नहीं नींद कैसे आएगी साल में। तुम फिलहाल सब कुछ सोचना बंद करो प्लीज, कुछ भी मत सोचो, मैं तुम्हारी जगह सब कुछ सोच लूंगा और सब हल कर लूंगा। थैंक यू सो मच। किस लिए? रुक जाने के लिए। जिंदगी में हर शय काबू में रखना पड़ती है इंतजाम के साथ, यहां तक कि इस तस्बीह के दाने भी एक तरतीब में पिरोए गए हैं। अब तुम मुझे बताओगे मीरान कि कब मुझे पेश इमाम से आगाज करना है? ये नामुमकिन है। हर शय का वक्त मुकर्रर होता है, अजियत का भी और रहमदिली का भी।
तुम नहीं समझे मगर मैं तुम्हें समझाऊंगी मीरान। आहिस्ता आहिस्ता सब समझाऊंगी तुम्हें। इस घर में सिर्फ हम रहेंगे और हर वो चीज जो हमारी है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, इस घर में अपनी कहानी दोबारा से लिखेंगे और तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशी के होंगे। खिज़र शादुलों ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तिला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को, तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? तुम्हारे पास हूं। मुझे लगा कुछ हो गया है रेहान। मैं सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं रेहान। मैं डरता हूं तुम्हें कुछ होना चाहिए, मुझसे कुछ छीन ना ले, और मुझे ऐसे सोचते हुए भी बहुत डर लगता है। मैं बहुत थक गई हूं मीरान, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, ये सब कैसे ठीक कर सकती हूं कुछ नहीं मालूम। नहीं जानती कि अपने आप को अपनों से कैसे बचाऊं।
जानता हूं मैं। जब तुम मेरे सामने होती हो मेरा दिल बहुत बड़ा और मजबूत हो जाता है रियान। इतनी ताकत की पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं चाहे मेरी जान चली जाए। बहुत मुश्किल होगा मीरान। तुम जानती हो मुश्किल क्या है? तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना रियान। जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ मुश्किल नहीं, यकीन करो मेरा, कुछ मुश्किल नहीं। Biris tere diyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni çok derin 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 derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana kış güneşinde altın kirpiklerin ben seni çok sevdim ben seni çok sevdim belki zordur anlaması sessizliğinden ben seni çok sevdim ben seni çok sevdim sen oku kelimeleri gözlerimden ben seni çok sevdim ben seni çok sevdim belki zordur anlaması sessizliğinden ben seni çok sevdim ben seni çok sevdim sen oku kelimeleri gözlerinden sen oku kelimeleri gözlerinden बेटी तुम्हें वापस नहीं दे सका। इसलिए तुम नाराज हो। तुम ही बताओ मैं क्या करता। उसने खुद कहा कि मैं प्यार करती हूं मीरान से। जहरा उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए थे, मैं क्या करता। लेकिन गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बाबा। उठ गई आप? गुड मॉर्निंग मेरी बेटी, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी बेटी। बाबा सूरज निकल आया है ना? हाँ हाँ बेटी, जब तुमने अपनी आंखें खोली सूरज उसी वक्त निकला है। फिर तो मैं साइकिल भी चला सकती हूँ ना? हाँ। नहीं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? उदास मत हो मेरी बच्ची, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे, है ना? आपको पता है मैंने आप ही को ख्वाब में देखा था। हम दोनों एक साथ साइकिल चला रहे थे। आप ही ने कहा तेज चलाओ और तेज चलाओ गुल, और जहाँ दिल चाहे वहाँ जाओ, और तुम बिल्कुल भी नहीं डरना किसी से। चलो बाबा चलते हैं। चलो। अम्मी क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगी? चलो चलते हैं मेरी प्रिंसेस। गुल हम कब तक पहुंचेंगे वहां पर? अपनी आंखें कब खोले हम? सरप्राइज। ता 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 ता।
साइकिल, मतलब मेरी और आप ही दोनों की साइकिल है। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत साइकिल है ये, क्यों जहरा? और वो भी पिंक। बाबा अब आप मुझे साइकिल पे बिठाएं। ठीक है प्रिंसेस, चलो आओ आराम से। शाबाश, पहले मैं साइकिल चलाऊंगी फिर आपकी बारी आएगी। ठीक है, पहले आप मुझे देखिए कि साइकिल कैसे चलाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही चलाते रहें, फिर ऐसे महसूस होता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। गुल को गुड बाय क्या कर गई है वो? बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? बस अम्मी, हर चीज के लिए, मेरी माँ होने के लिए। वो मुझे भी गुड बाय कहकर कही है खजर साहब। बाबा देखिए, अब मैं आप ही के पास जा रही हूँ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? टाइम कितना जल्दी गुजर गया ना। हाय, मुझे भी नहीं पता चला कि टाइम इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। अब आ भी जाओ रजा। रियान और मीरान, देर क्यों लगा रहा है? रजा क्या हुआ तुम्हें? रियान और मीरान दोनों पर अटैक हुआ है। क्या? उनके घर पर गोलियां चलाई गई हैं। क्या हुआ, परेशान मत हो तुम, वो दोनों जिंदा हैं। सच कह रहे हो ना? बताओ, सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। एक मिनट, खिजर साहब को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ रजा, रुक जाओ प्लीज, पहले तुम मुझे रियान से बात करने दो। मलाइका, रियान तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज बताओ मुझे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। संभालो खुद को, ठीक हूँ मैं, हमें कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं। क्या अम्मी और बाबा को पता है? किसी ने बताया है क्या उन्हें इस बारे में? पता नहीं, हम दोनों घर पे नहीं है, मैं और रजा बाहर आए थे, हमें यहाँ पर पता चला है कि तुम पे अटैक हुआ है। बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो, अम्मी को कुछ मत बताना इस बारे में, ठीक है? मैं किसी ना किसी तरह उनसे मिलने आऊंगी, मैं जब तक उनसे मिलने ही लूंगी वो भी परेशान रहेंगी। ठीक है रियान, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी फोन रख रही हूं मैं। मीरान, अगर इसे पता चल गया है तो अम्मी और बाबा को भी पता चल जाएगा, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। कब लेकर जाओगे उनसे मिलवाने? अगर नहीं ले जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। क्या मतलब चले गए? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम लोगों ने उनको जाने कैसे दिया? क्या हुआ है? पता नहीं रियान, मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो क्या? शादुलो बाहर हमारी जान लेने पे तुले हुए हैं, उसके बावजूद तुम लोगों ने उन्हें क्यों जाने दिया? मेरी इजाजत के बगैर, मुझसे पूछे बगैर आखिर उन्हें कैसे जाने दिया? दादी जान, क्या हुआ? गोनल और सुल्ताना बगैर सिक्योरिटी के अकेली बाहर चली गई हैं। आह, आह, आह। मैं कैसे तुम लोगों की हिफाजत करूंगी अगर अपनी करने पे अड़े रहोगे? फिरात, कहां गई हैं वो दोनों? मुझे नहीं मालूम, और कॉल भी पिक नहीं कर रही हैं।
फिक्र नहीं करो, ढूंढ लेंगे उन्हें। गुलनर साहब के ड्राइवर से बात हुई है, उसने बताया है कि वो कब्रिस्तान में है। अकेले मत जाना, आदमी साथ लेके जाओ। रुकोगे जरा? तुम यही रुको फिरात। मीरान, अस्मा, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। जब मेरा शेर गोनल को ले आए तो मुझे खबर कर देना। ये देखें, घर बना रही हूं। क्या बात है, बहुत खूब। कुल किसके लिए घर बना रही हो आप बेटा? हमारे लिए। उस औरत ने हमारा घर हमसे छीन लिया था ना, इसीलिए मैं नया घर बना रही हूँ। दादू, मैं मीरान भाई से भी नाराज हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था हमसे हमारा घर नहीं लेंगे। प्रॉमिस भी किया था, लेकिन प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा गुलखानम। ठीक है दादू, लेकिन मैं फिर भी नाराज रहूंगी। और आपको पता है, मैं आप ही को बहुत मिस कर रही हूँ। आप उनको नाश्ते पे बुला लेना, वो मीरान भाई के साथ आ जाएंगी। मैं उन्हें अपनी नई साइकिल भी दिखाऊंगी। वो लोग नाश्ते पर नहीं आ सकते गुल बेटा, क्योंकि उनका हनीमून जो चल रहा है। गुल, मेरी बात सुनो जरा, और मिट्टी से खेलना आप छोड़ दो, और फौरन मलिका आपी के साथ जाकर हाथ धो कर आओ और फिर नाश्ता करो। यार इन कहाँ है, नाश्ते पे आई नहीं अब तक। वो कह रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर में आ जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं जाकर देखती हूँ। मेरी हालत तो देखो जरा, कैदियों की तरह भूखी प्यासी बैठी हूँ यहाँ। आफरीन है आप पे हमदान साहिबा, और आप खुद को मेरी माँ कहती हैं? पागल हो गई हो? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, अब नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाएगा तुम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस कमरे में बंद रहो। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी मेरी बात तो सुने प्लीज। अम्मी, अम्मी 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 क्या हुआ? अम्मी 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 प्लीज कुछ बोले। बाबा बाबा यहाँ आए, अम्मी को देखे, इनको क्या हो गया? अम्मी 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 आंखें खोले, कुछ तो बोले। बाबा बाबा प्लीज जल्दी आए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हमदान हमदान हमदान, क्या हुआ, आंखें खोलो, तुम्हारी अम्मी को हुआ क्या है? बाबा मुझे नहीं मालूम, मुझे इनके गिरने की आवाज आई, मैंने बाहर देखा तो अम्मी बेहोश थी। हमदान अपनी आंखें खोलो, उठो आराम से, आराम से, आराम से, और खड़ी हो जाओ। अम्मी, तो मेरी मदद करो बेटा। हाँ हाँ, आ जाओ आराम से। जान, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। क्या हुआ? आराम से पैर रखना, संभल कर। दरवाजे के सामने गिरी हुई थी, न जाने क्या हुआ है, पता नहीं भाई। आराम से, आराम से, अल्लाह बेहतर करेगा। जहान, मेरा सर। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चल रहे हैं हॉस्पिटल। जल्दी बैठो, आराम से, संभल कर आओ, बैठो, सर बचा के। अल्लाह, आराम से। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं भाई, जरूरत नहीं। जहान सही कह रहा है, ध्यान से जाना, जल्दी। क्या भाष, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ अंदर। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन से ड्रेसेस पसंद है, तो इसीलिए मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा फर्स्ट था। मुझे उम्मीद है कि ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी मैं आपसे, आप,
आप सिर्फ खुश रहा करें। ये बुरा वक्त जल्दी गुजर जाएगा। आप और मीरान भाई का प्यार इस हवेली के सारे दुखों तकलीफों को दूर कर देगा, और मुझे इस बात पे यकीन है। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ थैंक यू अलफ। प्लीज आप मीरान भाई पे गुस्सा मत होइएगा, वो गोन आप मेरे को लेने गए हैं। दरअसल बात ये नहीं है अलफ, मैं इसलिए नहीं परेशान कि मीरान गोनल को लेने के लिए गया है, मगर जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस तरह बगैर किसी सिक्योरिटी के मीरान का बाहर जाना खतरे से बाहर नहीं है, ये तुम भी जानती हो। अगर किसी ने दोबारा नहीं, देखिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कार्स उनके साथ हैं, और मीरान भाई को पता चला उनके लिए फिक्रमंद हो रही हैं तो वो बहुत खुश होंगे। एलिफ, मुझे अपनी अम्मी बाबा से मिलना है आज प्लीज। जो कुछ भी हुआ है अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मीरान भाई को तो जानती हैं, वो गुस्से के कितने तेज हैं। मैं तो यही कहूंगी आपसे कि आप इस बार में मत सोचिए प्लीज। तो और क्या करूं फिर मैं? अगर अम्मी और बाबा तक खबर पहुंची तो वो लोग रुकेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा सोचा है किसी ने? मीरान ले जा रहा था मुझे मिलवाने के लिए उनसे, मगर उसे गोनिल के पीछे जाना। तो मतलब मीरान तुम्हें घर लेके जाने वाला था? हाँ, तुम अपनी माँ के गले लग के रो सको इसलिए मेरा पोता शादुलो खानदान के निशाने पे चला जाए? हाँ, कल तो वो उसे नहीं मार सके, लेकिन आज तुम खुद ही उसे उन कातिलों के हवाले करना चाहती हो। दादी जान तुम खामोश रहो एलिफ। एक्सक्यूज मी दादी जान, प्लीज ऐसा मत करें। उस सुबह जब तुम्हें शहर के चौक पे छोड़ा था तो तुम समझी कि हमारा हिसाब पूरा हो गया, तुम समझी सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खिजर शादुलों ने मेरे खानदान को तबाह किया। मेरे बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अंदाजा लगाना मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। अब तबाह होने की बारी तुम लोगों की है। कल की शब हरगिज़ फरामोश ना करना रेहान, तुम्हारे खानदान ने तुम्हारी जान तक की परवाह नहीं की, ये ना भूलना। रियान, रिलैक्स, एक मिनट रुको जरा, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि अम्मी के आंसू और उनका दर्द अब्बू के लिए है। बहुत जल्दी चले गए ना, इसलिए शायद ऐसा हो। फिर मालूम हुआ कि वजह तुम हो। तुम जानती हो मेरी बहन, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अम्मी ने भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया मुझे। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहां पर हो। माफ करना। पता है मैं क्यों इतना अरसा उस जगह पे जहां तुम्हारी बहन है ना आ सकी? इसकी वजह है बेटी, जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं, और जिसके माँ बाप ना हो उसे दुनिया वाले लावारिस कहते हैं। जिसका बेटा चला जाए उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी, मैं बस यही सोच सोच के दुखी होती हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। हमारे दिलों में जिंदा हो तुम, और जानती हो कि हमारे भाई का अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन ढूंढ लूंगी,
दादी जान कितनी ही कोशिश कर ले मैं ढूंढ लूंगी। जिन्हें कब्रिस्तान से डर नहीं लगता उन्हें मौत का भी डर नहीं होता। मैं भी बहुत डरती थी लेकिन अब मेरा डर खत्म हो गया है। लड़कियों के बाप हमेशा से उनके हीरो होते हैं लेकिन मेरे लिए नहीं थे। बहुत जुल्म किया है उन्होंने अम्मी पर। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब्बू आप मेरे कुछ नहीं लगते। कुछ नहीं लगते मेरे। कोई रिश्ता नहीं है मेरा। आंटी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। मेरे एक बेटे का गम जो जमीन के नीचे दफन है और दूसरी बेटी का गम जो मेरी आंखों के सामने तड़प रही है, मैं अलग अलग सह रही हूं उन दोनों का गम। अब तुम मुझसे पूछो ठीक हूं या नहीं। मीरान तुम क्यों आए हो? गोनल इतना कुछ हो जाने के बाद मैंने कहा भी था कि अकेले मत जाना लेकिन उसके बावजूद तुम लोग यहां आ गए। कल ही दादी जान के सामने ये सारी बातें हुई थी उसके बावजूद ये सब क्यों? अगर तुम्हें आना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद तुम्हें अपने साथ यहां लेकर आता। तुम अपनी बीवी के साथ इतना मसरूफ हो के तुम्हें हमारी परवाह भी नहीं है। कल रात मुझे एहसास हो गया है कि हमारा कोई नहीं है। देखो जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो हुआ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था लेकिन यह बात हरगिज मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। गुनल तुम और आंटी दोनों मेरे पास अंकल की अमानत हो। मेरे साथ चलिए आप दोनों। चलिए आइए। अम्मी अब आप कैसा फील कर रही हैं? जहाँ एक काम करो ये बैग पकड़ लो मुझसे नहीं संभाला जा रहा। हिम्मत रखो हमें इनका ब्लड टेस्ट करना है। यस सिस्टर। ठीक है इन्हें ले आएं। एहतियात से हानदान। लाओ ये मुझे दो। तुम पकड़ो इसे। आ जाओ। बाबा खून देख के मैं बीमार हो जाती हूँ ना क्यों ना मैं बाहर से होकर आऊँ। ठीक है चली जाओ। चलो आ जाओ। कम से कम टाइम पे फोन उठा लो भाई। तुमने कभी कोई काम वक्त पे किया है? हाँ यारिन। भाई किसी भी तरीके से आपको वहां से निकलना है। सॉरी मेरी बहन नहीं आ सकता। रियान ने शादी कर ली है मीरान से।
क्या? इसीलिए आपको वहाँ भेज दिया गया था ताकि आप इंटरफेयर ना कर सके इस मामले में। ये सब इसलिए किया था ताकि मीरान रयान को आराम से ले जा सके। वहाँ आप अपने बुलावे का इंतजार करते रह गए और उन्होंने यहाँ शादी कर ली। अब रयान मीरान के साथ है। क्या हुआ? आपकी क्या कर रहे? रियाद हमें छोड़ गई, मीरान के पास चली गई। संभाले खुद को, रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? सुनो, जाने दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि रियाद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हटो। हमारे कार्स के दिन कितने खूबसूरत थे। उन दिनों के गुजरने के लिए दुआ करती थी जिनको आज याद कर रही हूं मीरान। अगर उधर का एक दिन मिल जाए तो यहाँ के सारे दिन कुर्बान कर सकती हूँ। प्लीज ऐसे मत कहो गोनल, मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा पहले की तरह। तुम वक्त को कैसे बदलोगे मीरान? अब मैं इन सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तुम जो तब्दीली लाना चाहते हो अगर वो मेरी जिंदगी में ना आए तो इन सब तब्दीलियों का क्या फायदा? कार्स में भी ऐसा ही था और इधर भी ऐसा ही है। वहां भी दुश्मनों में घिरे हुए थे और यहां भी ऐसा ही है। गोनल, अब तुम कभी उदास मत होना, होश में आओ। दोस्त के सामने रोगे तो वो परेशान होगा और दुश्मन के सामने रोगे तो वो खुश होगा। और दुश्मन को कभी खुश मत करना। हेलो, मुझे मार्केट तक जाना है, कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, समझ गया, चलता हूं। लीजिए डॉक्टर साहिबा। मुझे क्या हुआ है? मैं ज्यादा बीमार हूँ। कैसी बातें कर रही हो खानदान? जहाँ इंसान को किसी वक्त का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। कितने दिन से तबीयत अजीब हो रही है और आज बेहोश भी हो गई। आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, नॉर्मल है इनकी रिपोर्ट्स। नॉर्मल है तो फिर तबीयत क्यों अजीब है? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा? क्या क्या मतलब है आपका? वो जो प्रेग्नेंट होती हैं। आराम से चलो, रिलैक्स हो जाओ। ये क्या किया तुमने जहान? अब मैंने क्या कर दिया? हम अपने बच्चों की शादियों का सोच रहे हैं, अब खुद बताओ ये खबर हम सबको बताते हुए कैसे लगेंगे? एक मिनट रुकना जरा, हम क्यों नहीं बता सकते किसी को? तुम बच्चे की माँ हो और मैं बाप हूँ। नहीं, मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ जहान। इसमें एम्बैरेस फील करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। खानदान। हाँ। वैसे भी तुम्हें एक और बेटा चाहिए था ना, अगर बेटा हुआ तो तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। अच्छा, अगर लड़की हुई तो कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या बात हुई जहान? खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये सब हम यारिन को कैसे बताएंगे? सुनो, लड़का हो या लड़की, बस हेल्दी होना चाहिए। सब बच्चे दिल का टुकड़ा होते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जानती हो मैं मसरूफ रहता था बहुत। आजाद कब बड़ा हुआ पता नहीं चला,
ना तो मैं उसके साथ फुटबॉल खेल सका और ना ही उसे वक्त दे सका। वो तो अब बड़ा हो गया है। अगर ये लड़का हुआ तो मैं अपने अरमान इससे पूरे करूंगा। अगर लड़की हुई तो उसे ये सब सिखा देना। हाँ सिखा दूंगा। अगर जुड़वा हुए बल्कि तीन हुए तो? हर किस नहीं, तुम पूरी रात जाके तो गुजार नहीं सकते, तो ऐसी दुआ भी मत करो। जो भी हो बस अल्लाह उसे खैरियत से दुनिया में लाए। अम्मी बाबा। क्या हुआ था, क्या बीमारी है अम्मी को, क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं बाबा, आपको तो पता है गार्ड रखने से और अपने आप को कैद करने से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। असलान बे खानदान के साथ ये सब करने वाले हम लोग नहीं हैं, लेकिन जिसने भी किया है हमें उसको ढूंढना होगा बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? उनकी जगह हम क्यों ढूंढेंगे उसे खिजर? जो कुछ भी गलत होता है उस गलत के पीछे अजीजा खुद होती है और इल्जाम लगा देती है हम पे। जो भी है इसके पीछे उसे हम ढूंढ लेंगे, मगर उस वक्त तक आजाद अपने दादा मुस्तफा आगा के घर ही रहेगा और इस काम में किसी की भी मुदाखलत नहीं चाहिए। बात को समझिए, मैं अब और ज्यादा खामोश नहीं बैठ सकता बाबा। ये सब कुछ जिसने भी किया है मैं उस शख्स को पकड़कर असलान बे खानदान के हवाले कर दूंगा, क्योंकि बाबा अब ये काम करना मेरी मजबूरी है। कल रात में एक बंदे से मिला और वो बंदा अंकल आ गए, अंकल आ गए, बाबा अंकल आ गए। खानदान रुको जरा, रुको, क्या कर रही हो? ठहरो। अल्लाह। बिल्कुल आराम से, हाथ पकड़ो मेरा। पकड़ो इसे। संभल के, आराम आराम से। सब कुछ ठीक तो है ना जहान? क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ इसे? परेशानी की बात नहीं, खुदा का शुक्र है। खानदान प्रेग्नेंट है। मुबारकबाद दे हमें, एक और शादियों का इजाफा होने वाला है। मतलब एक और खरगोश आ रहा है। वो भी इस उम्र में। तौबा तौबा। बेटा ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह हमें तंदुरुस्त बच्चा अता करे, एक और शादोलो आ रहा है। अल्लाह हम शादोलो पे मेहरबान है। दुश्मन हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें मजीद बढ़ा रहा है। एक मजबूत खानदान के लिए जरूरी है कि वो जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। तुम्हें मुबारक हो जहान। थैंक यू बाबा। जीते रहो। शुक्रिया। बाबा बेबी। सलामत रहो बहू। ये मेहमान हमारे घर में फिर से खुशियां लाएगा। खुशियां मनाओ, खैरात दो, लोगों में मिठाइयां बांटो। बहुत मुबारक हो नसू। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सी खुशियों से नवाजे खानदान बेगम। तुम्हारा शुक्रिया। मुल्खानम, सुना तुमने, एक और शादोलो आ रहा है खेलने तुम्हारे साथ। खूब खेलना, कभी शादोलो हवेली के चारों तरफ और कभी सहन में उसके साथ मिलजुल कर खेलना। मैं आप ही के अलावा किसी के साथ नहीं खेलूंगी। तुम्हें बहुत मुबारक हो खानदान, मेरी दुआ है कि अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन। तुम्हारा शुक्रिया जहरा। अल्लाह हम सबको नेक औलाद नसीब करे, क्योंकि अगर नेक ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बाबा, हमारे आजाद को दादा का नाम दिया गया, आपकी इजाजत चाहिए। अगर हमारे घर बेटा हुआ तो उसे आपका नाम देंगे। जरूर, अल्लाह सेहतमंद जिंदगी दे उसको, मेरे सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन।
इस उम्र में बस एक बच्चे की कमी रह गई थी। इंशाल्लाह, मेरी दुआ है कि भाई तुम उस हवेली से जाकर रयान को ले आओ, इंशाल्लाह। अटेंड करो मेरी कॉल, तजस्सुस से मार दोगे मुझे क्या? देखो तो जरा, ये लड़का मेरी कॉल नहीं उठा रहा। भाई की हरकतों को देखकर इस लड़के की इतनी मजाल? रिलैक्स यारेन, प्लीज रिलैक्स रहो। तो फिर क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं? पहले तो ये पता करते हैं कि भाई हवेली गया है या नहीं, और दूसरा ये कि इसी बहाने से फिराक का एतमाद दोबारा जीत लेते हैं। हाँ बोलो यारिन। हेलो फिरात, मुझे मदद चाहिए, मदद करो मेरी। क्या हुआ यारिन, बताओगी? वो उसे वहाँ हवेली लेने आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसे कुछ होने मत देना, प्लीज मेरे भाई की जान बचा लेना। क्या क्या कहा? आजाद यहाँ आ रहा है? उसे पता चल चुका है कि मेरा ना रयान से शादी कर ली है। मैं भाई को नहीं रोक सकी, अगर मैंने घर में किसी को बता दिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, बहुत डरी हुई हूँ। यारिन देखो, ये किसी तरह का कोई गेम तो नहीं? कैसा गेम होगा फिरात, मैं बस अपने भाई की जान बचा रही हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो, उससे पहले मैंने कब तुम्हारे साथ कोई खेल खेला है? तुम ये कह रही हो कि आजाद यहाँ पे आ रहा है? हाँ तुमने सही सुना। फिरात प्लीज उससे कुछ मत होने देना, वरना मेरे माँ बाप इसी गम में मर जाएंगे। ठीक है रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया फिरात, तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी, बस तुम उसे कुछ मत होने देना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है यारिन, मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ मुझे बताते रहना। बस वेट करो मिस रयान, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। यारिन कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मम्मी, आती हूँ। रजा कहाँ जा रहे हो? अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। असलान बेवालों ने अगर ये समझ लिया कि ये सब हमने किया है तो वो लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे और हम पर यहाँ आकर अटैक कर देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा मत करो, रियान ने कहा है कि वो खुद यहाँ पे आएगी, तो इसलिए हमें रियान का इंतजार करना है। प्लीज रजा मेरी बात सुनो, यहाँ पर सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। रजा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है आज, ये कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? या अल्लाह प्लीज ऐसा कुछ ना हुआ हो। प्लीज ये बच्चा हमारे खानदान के लिए खुशबख्त है, अल्लाह हम सब के लिए अच्छा करे। आमीन। खिजर साहब प्लीज रजा। रियान रेहान को क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है उसे? क्या हुआ है बताओ मुझे। रेहान और मीरान, उनके घर पर अटैक हुआ है। कहीं मर तो नहीं गई मेरी बेटी? जहरा क्या हुआ तुम्हें? होश में मत रखो जहरा। अरे क्या हो गया इसको? उठो बेटा जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ जल्दी से। हिम्मत करो जहरा, जहरा संभालो खुद को। खिजर उनके घर पर अटैक हुआ है। संभालो खिजर, कहीं मर तो नहीं गई मेरे बच्चे? खिजर संभालो मेरे बच्चे, खिजर खिजर मेरे बच्चे, संभालो खुद को खिजर। Thank you.
भाई खिजर प्लीज खुद को संभालें भाई, होश में आओ मेरे बच्चे, संभालें खुद को खिजर, होश में आओ, सुन रहे हो मुझे? जिंदा है हाँ, वो जिंदा है,